सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़े, पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे पाके फिर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। कहीं मुक्त हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको। कहीं मुक्त हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको। अचल में रहो चपल मन में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बोलो सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों,
अभी हम सब मन की चंचलता के विषय में बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लोगों की मान्यताओं पर भी अंतर आने लगता है। अभी हम सुन ही रहे थे कि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो कई रूपों में बदलता चला जा रहा है। अभी एक देख रहा था कि उसका जो वाहन है चूहा क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है और साइकिल के पीछे में गणेश जी को वो बिठाए हुए हैं। और एक प्रतिमा में देखा कि गणेश जी खड़े हुए हैं और किस पोजीशन में, जैसे फौजी युद्ध करने के लिए जो खड़े रहते हैं ना, उस पोजीशन में खड़े हुए हैं और उसको पूरे फौजी की वर्दी पहनाई गई है और उसको राइफल पकड़ा दिया गया है। तो सबकी अपनी अपनी समय के अनुसार मान्यताएं उद्देश्य बदलती जाती है, ये उनकी भावना है। जरूर इसमें कोई ना कोई उसको उद्देश्य रहता है, लेकिन ये जो हमारे महापुरुषों ने और बड़े बुजुर्गों ने जो ये रीति चलाई है उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा। जैसे कि हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पहले इसका उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। जब अंग्रेज का यहाँ शासन था तो इसकी शुरुआत में महाराष्ट्र में ज़्यादा हुई। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने अपने और जो क्रांतिकारी भाई है उन लोगों को संगठित करने के लिए कोई किसी न किसी प्रकार के लोग जुड़े, सभा में जुड़े, तो ऐसे जुड़ते थे तो कि जो अंग्रेज सिपाही है, अंग्रेज जो अफसर है उसको एकत्रित होने नहीं देते थे और उसको किसी न किसी रूप में दंडित करते थे, जेल में डाल देते थे, प्रताड़ित करते थे। लेकिन इसके आड़ में गणेश की प्रतिमा बिठाई जाती थी, उसकी पूजा अर्चना किया जाता था। तो धर्म जहाँ संबंध रखता है उसमें सरकार उसमें दखल नहीं देती है। हाँ, ये धर्म की बात है। और जब इसके मान्यताओं पर हम प्रहार करेंगे तो फिर प्रजा भी और सब लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और हमारे शासन पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा सोच करके जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उस पर विक्षेप नहीं करते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो उस समय पूजा अर्चना तो की जाती थी लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता था कि कैसे हम भारत को स्वतंत्र कराएं और ये जो अंग्रेज है भारतीय जनता पर इतना अत्याचार कर रहा है इसको हम कैसे मिटाएं, तो विचार विमर्श किया जाता था। तो उसके लिए एक साधन चाहिए, ऐसे नहीं हो, जो उद्देश्य रहता था, उद्देश्य रहता था कि हम गणेश की प्रतिमा, गणेश की आराधना करेंगे, गणेश चतुर्थी मनाएंगे, वो उद्देश्य रहता था। और उसके साथ साथ जो अन्य जो व्यवहारिक बातें हैं देश के को स्वतंत्र करने की जो बातें हैं, कहाँ क्या करना है, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता था। तो उस समय इसकी शुरुआत हुई। अब इसका बड़े जोर शोर से, चाहे छोटे से छोटे गांव हो चाहे शहर हो, इसका बहुत जोर बोल वाला है। एक परंपरा है, एक परंपरा होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, और एक परंपरा होता है बिना सोचे समझे। एक रीति होती है, एक कुरीति होती है। रीति के अनुसार उसमें सबका कल्याण बना रहता है, सबका उसमें संतोष होता है, किसी न किसी रूप में लाभ होता है। लेकिन एक जो कुरीति बन जाती है जिसको हम परंपरा कहते हैं, जब कुरीति बन जाती है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। लोग बिना सोचे समझे केवल मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। अब देखिए, एक धर्म
की बातें जब आती है तो फिर सब लोग उसके लिए उपवास भी रखते हैं और उसकी खूब भाव भक्ति में लग जाते हैं। उसका खास उद्देश्य क्या है? खास उद्देश्य है कि हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिस पर हम श्रद्धा भाव रख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, क्या कार्य किया। अब देखिए, गणेश जी है, उसके लिए कहा जाता है कि जब उनके भाई कार्तिकेय और गणेश दोनों खेल रहे थे, तो खेल रहे थे तो फिर इसमें कथा ये कहती है कि किसी बात को लेकर के दोनों में जिदपन आ गई, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। तो उसमें उसका समाधान के लिए कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा वो इसके इसलिए हिस्सेदार होगा। मतलब प्रथम पूजा किसकी हो, इसके लिए होड़ लगी थी दोनों में कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, दोनों झगड़ रहे थे। तब उसमें एक समाधान निकाला गया, दिया गया कि अच्छा कोई बात नहीं, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा उसकी सर्वप्रथम पूजा की जाएगी। तो अब क्या हुआ, कार्तिकेय का वाहन क्या था? उसका वाहन तो बड़ा तेज चलने वाला था। उसने कहा कि मेरे से आगे ना हो जाए, ये सोच करके वो निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और पता नहीं कितने दिन तक गए, आए कि नहीं आए, ये कथा आगे नहीं कहा जाता है। लेकिन गणेश जी के लिए, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और चूहा कहाँ तक चल पाएगा बेचारा। लेकिन गणेश जी बड़े बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान थे तो उसने शास्त्रों में और बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ था कि माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली, उसको प्रसन्न कर लिए, मानो वो पूरे भूमंडल का परिक्रमा कर लिया। उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को उच्च आसन में बिठा करके उसकी पूजा करके वो बैठ गए, और माँ पार्वती और शंकर जी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देने लगे। और उधर से वो घूम करके कार्तिकेय आए, तो इसको भी श्रेय मिल गया था कि इसको पुरस्कार दिया जा रहा था। इसको कहा जाएगा कि आप जब भी कोई भी धर्म का काम होगा, लोक मंगल का काम होगा, तो सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी, और उसको लिए ये नॉमिनेट किया जा रहा था। तो कार्तिकेय ने कहा कि मैं इनसे पहले निकला था और इतनी मेहनत करके परिक्रमा करके आया हूँ, और ये इसकी पूजा आप कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि गए हैं। उसने कहा, उन लोगों ने कहा हाँ ये सचमुच नहीं गए हैं, लेकिन असली पूजा इन्होंने की है, जिन्होंने माँ बाप की सेवा की और दीन दुखियों की जो सेवा की वही श्रेष्ठ है, ये माना गया। लेकिन आज क्या होता है, हम गणेश की प्रतिमा तो बिठा लिए, खूब भाव भक्ति कर लिए, लेकिन जो हमारे आस पड़ोस में घर परिवार है, बड़े बुजुर्ग है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में और लोग है, उसके साथ हमारा व्यवहार क्या है? हम कैसा उसके साथ बर्ताव करते हैं? उनके साथ तो हम ठीक से बर्ताव कर ही नहीं पाते हैं, और लगे हैं हम भक्त कहरा रहे हैं, तो ये हमको सही फल नहीं मिलेगा। एक प्रकार की ये मनोरंजन हुआ, मन की चंचलता ही हुआ, कुछ दिन के लिए मनोरंजन कर लिए और भूल गए। यथार्थ में ये होना चाहिए, भाव भक्ति लगने का माध्यम ये होना चाहिए कि जैसे जैसे दिन बीतते जाए, हमारे जीवन में जो गलत आदतें हैं, दोष दुर्गुण हैं, वो मिटता जाए, तभी हम किसी की हम पूजा अर्चना करते हैं, भाव भक्ति में लगते हैं, चाहे वो महापुरुषों के रूप में हो, चाहे प्रतिमा के रूप में हो, या कोई भी देवी देवता के रूप में हो, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम उसको बड़े श्रद्धा से नमन करते हैं, भाव भक्ति से उसको प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे करेंगे? उसके जीवन को देखकर, उसके इतिहास को देखकर, बड़े बुजुर्गों के सुन करके ये कहेंगे इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा पुरुषार्थ का काम किया, इसलिए लोग सदैव इसको याद करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम भी ऐसा काम करें कि लोग हमको याद करें।
आप सबने कबीर साहब की ये वाणी सुनी होगी कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम करते हैं ऐसा, कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक जो रीति जो चलाई है और रीति को मानते मानते हम कैसे हम कुरीति में फंस जाते हैं पता ही नहीं चलता। परंपरा माने रहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। वैसे देखिए गुण और दोष सब में हैं, जिन्होंने जन्म लिया है उसमें गुण भी है और दोष भी है, लेकिन जिसमें जो जिसकी जिसमें जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं। आप सबने सुना होगा महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार काम सौंपा दुर्योधन से। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आप चले जाइए और अच्छे आदमी को ढूंढ आइए, जो श्रेष्ठ आदमी हो उसको ढूंढ आइए। और वही काम युधिष्ठिर को भी सौंपा गया। उसने कहा कि जो इस संसार में सबसे बुरा आदमी हो उसको आप ढूंढ आइए। दुर्योधन निकल पड़े अच्छे आदमी की खोज में। और जहां जहां जाते थे उस समय बाद कोई ना कोई उसकी त्रुटि निकल जाती थी, इसमें तो ऐसा दोष है, ऐसा दोष है मुझे। वो परेशान हो गए, कई जगह घूम फिर करके आए और भगवान श्री कृष्ण से कहते कि भगवान मुझे अच्छा आदमी कोई मिला ही नहीं इस संसार में। युधिष्ठिर भी गए, युधिष्ठिर गए तो देखा जिसको लोग कहते कि बहुत बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। कुछ दिन रहकर, कुछ समय रहकर उसको भी देखते कि उसमें किसी न किसी रूप में उसमें अच्छाई दिखाई देती थी। एक जगह गए तो एक आदमी क्या करते थे, वो लोगों को बहुत सताते थे, मारते पीटते, बहुत तनिक तनिक बातों पर वो क्रोधित हो जाते थे। और उसका काम क्या था, जो फांसी पर जो चढ़ाते हैं ना जल्लाद, जल्लाद का काम था। उसके जीवन में गया देखा तो एक बकरी का बच्चा है, वह एक झाड़ी में फंसा हुआ है और फंसा हुआ उसका पैर फंसा हुआ है और निकलने का बहुत प्रयास कर रहा है। और ये रास्ते रास्ते जा रहा था, ये जल्लाद आदमी गया, उसकी दृष्टि पड़ी और वो उसको उस झाड़ी से चुप धीरे से उसको निकाल करके उस रास्ते पे रख दिया। युधिष्ठिर देख रहे थे, अच्छा जिसको बुरा आदमी कहते हैं उसमें भी किसी न किसी गुण तो है, इसमें भी दया का भाव है। और लौट करके आए श्री कृष्ण से कहे कि भगवान मुझे इस संसार में कोई बुरा दिखाई नहीं दिया। तो जैसा जिसका भाव होता है उसी के अनुसार वो उसका व्यवहार करने लगता है। परंपरा भी होती है, परंपरा अच्छी भी परंपरा होती है, एक अच्छी परंपरा भी नहीं होती है। लोग जानना भी नहीं चाहते हैं कि आगे का इसके इतिहास क्या है, किस कारण से इसकी प्रसिद्धि है। हम सबको एक मानव का शरीर मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है, मानव हम क्यों कहलाते हैं, मानव ऐसा नहीं कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी है, जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अन्न संतान पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे मानव भी कर रहा है। लेकिन मानव को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, मानव को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि वो अपने गुण दोषों का निर्धारण कर सकता है, अपने गुण दोषों को पहचान सकता है, सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका वो निराकरण कर सकता है, समझ सकता है और पाप कर्म को छोड़ करके अच्छे कर्म कर सकता है, अपने आप को श्रेष्ठ उत्तम बना सकता है। यही विशेषता है मनुष्य की। इसमें और विशेषता है कि मनन करने की उसमें शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, विवेक करने की शक्ति है, इसलिए मानव कहलाता है। और मानव जन्म पार करके हम इस पर विचार ही नहीं करें, ये मानते चले कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है,
उन लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई, ऐसी रीति चलाई है, गलत कैसे हो सकता है? गलत नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ये भी फट जाएगा कि किस कारण से हम इसको पूज रहे हैं, किस कारण से हम श्रद्धा से नमन कर रहे हैं, इसका भी जानने का हम अधिकारी हैं, जान सकते हैं, ये कोई बुरा नहीं है। ऐसी एक कहानी आती है, कहते हैं महात्मा लोग कि एक गुरु जी थे, वो भ्रमण करते थे, स्थाई नहीं रहते थे, जगह जगह जा करके भ्रमण करते थे, और जितना उसका ज्ञान है वो लोगों पर वो अपना बांटते थे, देते थे। एक गांव में गए और कुछ दिनों ठहरे, तो एक युवक था, गरीब था लेकिन सेवाभावी था, रोज आ करके उस गुरु महाराज की बहुत सेवा करते थे। तो उस समय ऐसा तो साधन तो था नहीं कि रेल है, मोटर गाड़ी है, और साइकिल भी नहीं रहा, तो क्या था, कोई सामान ले जाने के लिए, कुछ बोझा ढोने के लिए घोड़ा रहता था, कोई कोई गधा भी रख लेते थे। तो उस गुरुजी के पास एक गधा था, वो गधा को लेकर के अपने सामान रख लेते थे, जब थक भी जाते थे तो गधे के ऊपर बैठ करके वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो वो जो युवक था उसकी बहुत खूब सेवा की, तो गुरुजी उससे भी बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जब जाने लगे तो उसके मन में विचार हुआ, अब इसको कहाँ लेते जाऊँ, संचित थोड़ा सामान रख लूँ, इसको यहीं छोड़ दूँ। उस गधा को उसको अपने शिष्य को उस लड़के को दे दिया कि इसकी सेवा जतन करना, यहीं रखो, इसको पाला पोषो, इसको नहीं ले जाऊँगा, उसको देकर सौंप करके वो आगे चल दिए। अब उस गधा की देखभाल करने लगा, और कुछ गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ था वो बहुत प्रभावित हुए, और वहीं साधनामय जीवन जीने लगे। धीरे धीरे गुरु का ज्ञान उसमें बढ़ता गया, लोगों को भी वो जैसे गुरु ज्ञान उपदेश करते थे वैसे ही सत्संगी आ जाते थे, वो ज्ञान उपदेश देते थे, भजन गाते थे, लोग बहुत प्रभावित हुए। अब सोचा कि अब मैं विरक्त ही रहूँगा, जैसे गुरु जी रहे साधनामय जीवन गुरु ऐसा रहूँगा, उसने ठान लिया। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसका जो गधा था वो मर गया, मर गया तो उस पर बहुत लगाव था, बहुत लगाव था, तो स्वभाव स्वाभाविक है, गांव में भी किसी से बहुत लगाव होता है। तो पशु जब मर जाते हैं, छोटा पशु भी, तो उसको मिट्टी दिया जाता है, मिट्टी दे देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही वो उसकी झोपड़ी थी उसी के बगल में उसको वो दफना दिया, और दफना दिया, एक चबूतर नुमा उसको बना दिया। तो लोग उससे मिलने लिए आते तो देखता था कि कुछ बना हुआ है, उसको पूछते थे, तो बार बार सबको कैसे कहते कि ये गधे को दफनाया गया है। उससे लोगों के प्रश्न से बचने के लिए उसने कहा कि ये स्वामी मुक्तिदेव की बनाया गया है इसका चबूतरा। अब लोग उसके आगे जानना नहीं चाहे, उसके ऊपर लोगों में इतनी भाव भक्ति उमड़ पड़ी कि लोग आए, अगरबत्ती फूल वाती चढ़ावे, पूजा अर्चना किए। कुछ देर बाद उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी, वहाँ मंदिर बनाने के लिए ठान लिया गया, हम स्वामी मुक्तिदेव की मंदिर बनाएंगे, और मंदिर भी बन गया। और जो वो युवक झोपड़ी में रहते थे उसको, नहीं आप यहाँ ले रहिए, आपके लिए अब अच्छे से हम आश्रम के रूप में बनाएंगे। गाँव वाले और आस पड़ोस वाले लोग इतनी भाव भक्ति में डूब गए कि उसको एक आश्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और वहाँ को उसको महंत बना दिया। बहुत ऐश्वर्य, बहुत लोग दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लोग दर्शन करने आते, उसके ज्ञान पा करके लोग प्रसन्न होकर चले जाते, बहुत विस्तार हो गया। तो 8-10 वर्षों के बाद उसका जो गुरु महाराज थे, घूमते घूमते भ्रमण करते करते उसी जगह पहुँचे, तो उस जगह को देख करके तो आश्चर्य में पड़ गए। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, पूछने पर पता चला कि नहीं वही जगह है। तो उसका जो शिष्य है देख करके गुरुजी को आदर पूर्वक ले गए, और आदर सत्कार पूर्वक कुछ खिलाए पिलाए। अब गुरु के मन में जिज्ञासा रही, इतनी कैसी उन्नति कर ली, इतना इसका कैसे विस्तार हुआ, और कमरे में बैठ करके अपने शिष्य से कहता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो मेरा गधा था वही छोड़ कर गया था, एक छोटा सा झोपड़ी नुमा था, और ये कैसे बदल गया, कैसे परिवर्तन हो गया।
शिष्य ने कहा मुस्कुराते हुए कहा, गुरु महाराज आपसे क्या बताना क्या छिपाना, ये आपके गधा का ही कमाल है, गधा का ही चमत्कार है। देखिए आप छोड़कर तो चले गए, कुछ वर्षों के बाद गधा मर गया तो उसमें मेरा बहुत लगाव हो गया था, मैं ऐसा नहीं छोड़ना चाहता, मैं आश्रम यही कुटिया के बगल में ही इसको दफना दिया और इसका एक चबूतर रूप में बना दिया। अब जो भी आते थे पूछते थे तो कुछ दिन तक तो मैं बताया कि ये वो है गधे है, उसको दफना दिया गया है, लेकिन सबसे कब तक बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इसके प्रश्नों से बचने के लिए इतना कहा कि ये स्वामी मुक्तिदेव की चबूतरा है। तो लोगों ने समझा कि बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे इसलिए उसका चबूतरा बना गया है, और लोगों की भक्ति को कौन रोक सकता है, कौन समझा सकता है। और धीरे धीरे मुझे भी उसमें आनंद आने लगा, मैं फिर उसको बताने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ा, और ऐसे करते करते इस रूप में आ गया है। इतना सुनना था कि वो गुरु महाराज बहुत ठहाके मार के वो भी हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। तो शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज मेरी बात को सुनकर आप क्यों हंसे? अरे बेटा मैं इसलिए हंसा कि ये गधा चमत्कारी तो था ही, इसकी जो माँ थी वो भी चमत्कारी थी, ऐसे ही घटना मैं जहाँ रहता हूँ वही घटना घटी है, इसकी माँ है वो भी मरी थी, तो मैं भी सोच करके बहुत दिन तक इसकी सेवा जतन किए और रहा, तो मैं भी वही सोच करके अपने आश्रम कुटिया के बगल में इसको दफना दिया। तो लोगों को तो आगे की तो सूचना नहीं है, बस वही पूजने लगे। वहाँ भी देखिए मेरी जगह भी ऐसा ही बहुत विकास हुआ है। तो मैंने कहने का मतलब है, आज मानव विवेकशील विचारवान और मननशील होने के बावजूद भी आगे क्या है इसकी इतिहास को जानना नहीं चाहते, बस मान्यता चली आ रही है उसको पूजते चले जा रहे हैं, इसका कोई ठोस धरातल नहीं होती है, ठोस नींव नहीं होती है, केवल मान्यता चली आ रही है। भीड़ की जैसी चली जा रही थी, लोग मानते हैं कि जहाँ ज्यादा भीड़ है वहीं सत्य है, ऐसा नहीं। हम सबको चाहिए हम जानने का प्रयास करें, विचार करें। इसलिए सद्गुरु कबीर और महापुरुष कहते हैं कि कोई भी बातें हम कहते हैं उसको आप अपने तरीके से विवेक और विचार करो। सामान्य रूप से हम कोई भी खरीदारी करते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जाकर उसको बहुत जांच पड़ताल करता है, ये सही है कि नहीं है, ले जाने के बाद ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, गारंटी भी ले लिया जाता है। व्यवहारिक रूप में भौतिक पदार्थों के लिए हम बहुत गारंटी लेते, बहुत उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कहाँ खोजबीन करते हैं। बस हमारे महापुरुष ने कहा है, बड़े महापुरुष ने कहा है, हमारे परंपरा से चली आ रही है, यही सोच करके मानते चले जाते हैं। इसकी भी ठोस धरातल है, ऐसा नहीं है कि सबके सब झूठ है, लेकिन हमको इतना जानना चाहिए कि इसकी इतिहास क्या है, हम किस कारण से इसको हम पूज रहे हैं, किस कारण से हम श्रद्धा रख रहे हैं, इतना तो जानने का हमको जानने का अधिकार है और जान भी सकते हैं। लेकिन सामने से होता है कि महापुरुषों ने जो राह चलाई है वो गलत नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम अपने विचार करके हम जान सकते हैं। तो हम सब सुन रहे थे कि मन की जो चंचलता के कारण ही आज हर आदमी परेशान है, दुखी है, केवल कुछ समय के लिए मनोरंजन हो जाता है, फिर वही सूखे का सूखा। तो इसलिए मन की चंचलता कहाँ मिटेगी? सत्संग से, ज्ञान से, ध्यान से, मनन चिंतन से, सिंहावलोकन से। हमारा जो जीवन जैसे बीतता चला जा रहा है, जब से हम धर्म में लगे हैं तब से हमारे जीवन में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं है? जैसे मैं पहले जीवन जीता था, क्या मैं अब भी वही जीवन जी रहा हूँ? पहले मेरा जीवन क्या था? बहुत दुखी रहता था, राग द्वेष में पड़ा रहता था, क्षणिक क्षणिक बातों पर मैं उलझ जाता था। तो वैसे ही अभी का जीवन कैसा है, कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ये हम सिंहावलोकन कर सकते हैं। जैसे सिंहावलोकन का मतलब है, सिंह कुछ दूर चलने के बाद आगे पीछे देख लेता है कुछ आ तो नहीं रहा है, ऐसे ही हम अपने गुण दोषों का भी सिंहावलोकन करें।
अगर सुधार है तो सचमुच में हमें माने कि हम सही रास्ता पर चले जा रहे हैं। अगर सुधार नहीं है तो विचार करने की जरूरत है, सचमुच में मैं जो जीवन जी रहा हूँ, जिस धर्म को मार रहा हूँ, जिस भाव भक्ति में लगा हुआ हूँ, इसके माध्यम से मेरा लाभ नहीं हो रहा है, तो निश्चित है इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने एक ठोस रूप में कहा है कि करहु विचार तो सब दुख जाए। केवल एक ही सूत्र कह दिए कि विचार करो, विचार करने पर हमारा जो माना हुआ दुख, दुख तो बहुत है लेकिन दुख सब अपने अपने दुखों से पीड़ित है, वो भी कैसे, मान्यता का दुख, इससे दुख दुख से पीड़ित है। तो सद्गुरु इसका एक ही समाधान देते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाए। विचार करने पर हमारा माना हुआ दुख सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे भौतिक दुख, भौतिक दुख क्या है, शारीरिक दुख, शारीरिक दुख जब आते हैं तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी उसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी समझता है कि दुख आया है तो इसका इलाज जरूरी है और घरेलू उपचार करता है, डॉक्टर के पास जाता है, अनुभवी लोगों से परामर्श करता है और जो परामर्श देते हैं, जो सलाह देते हैं उसके अनुसार वो संयम बरतता है, दवाई ग्रहण करता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो मानसिक दुख है, शारीरिक दुख के लिए सब प्रयास करते हैं लेकिन जो मानसिक दुख जब आ जाते हैं, मन में राग द्वेष, मन में आवेश भरा रहता है, क्रोध भरा रहता है, मनोविकार भरा रहता है, इसको समाधान के लिए हम कहाँ जाते हैं, कितने लोग आते हैं, बहुत कम बिरले लोग ही, और इसकी आवश्यकता है। करोड़ों की संपत्ति कमा लिए लेकिन मन दुखी है तो करोड़ों की संपत्ति कुछ काम आने वाली नहीं है। इसलिए चाहिए कि हम मानसिक दुख कैसे मिटे, इसके लिए हम ये जो मानसिक पाठशाला है, मानसिक जो अस्पताल है जिसको कह सकते हैं, यही सत्संग भवन है, आश्रम है, गुरुकुल है, जहां जहां धर्म का काम होता है सत्संग से इसका समाधान बताया जाता है, वहां जाकर हमको इसकी समाधान खोजनी चाहिए। तो हमारी मन की जो चंचलता, यही सत्संग से मिटती है, संयम साधना से मिटती है। और अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, चाहते हैं क्या, चाहते तो सभी लोग हैं लेकिन करने करने में अंतर है, कोई जल्दी लग जाता है, कोई जानते हुए भी नहीं लग पाता है। दोष दुर्गुण को अपने जीवन में है, समझता भी है लेकिन कोई छोड़ नहीं पाता है आदतवश, ये अंतर है। कोई जल्दी सुधर जाता है, कोई वर्षों बीत जाता है, वर्षों धर्म में लगा हुआ है, कहीं आश्रम में आकर के वो भगत हो गया है लेकिन उसका जो बुरी जो आदतें हैं वो सुधार नहीं हो रहा है, स्वभाव का सुधार नहीं हो रहा है, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है और सबके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आश्रम में लगना, ज्ञान में लगना, भक्ति में लगना कि सही सार्थकता है, जीवन का सुधार हो, स्वभाव का सुधार हो, और स्वभाव का ही सुधार नहीं है तो क्या मतलब पड़ेगा। इसलिए सभी लोग कहते हैं अरे देख लिए कितने दिनों से जा रहे हैं, संतों से लगे हुए आश्रम में जा रहे हैं लेकिन इसके स्वभाव में कोई तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, जैसे पहले क्रोध करते थे अब भी कर रहे हैं तो क्या मतलब, इतने वर्षों से जा रहे हम लोग जाकर के क्या करें जब इसका ही सुधार नहीं हुआ है। ये एक प्रकार के समाज है, परिवार है, कोई भी लोग हमसे देखते हैं वो एक प्रकार के प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, सचमुच में आदमी में सुधार है तो सचमुच वो प्रभावित होते हैं और आने लगते हैं। भाई पहले ये आदमी बहुत तनिक बातों पर बिगड़ जाता था, क्रोधित हो जाता था, अब जब से ये सत्संग में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हुआ है, भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, आश्रम में जुड़ा हुआ है, तब से जाकर के इस जीवन में परिवर्तन हुआ है, लोग भी प्रभावित होते हैं। तो खास क्या है, मूल बात यह है कि हम हैं केंद्र में, हम स्वयं हैं केंद्र में, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में उन्नति हो रही कि नहीं है, जो हम चाहते हैं वो मिल रहा है कि नहीं, ये इसका हम सिहावलोकन करें। तो मैं अपना विचार कुछ देर रखा, एक भजन मैं आप लोगों को बीच बीच प्रस्तुत करता हूँ, फिर संतों के और विचार सुनेंगे।